نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. 31 से वलो और अगर अन्ना यकीनन कुरआनन कुरआन होता सुजरत के चलाए जाते भी इसके जरिए अलजिबालु पहाड़ आउ या कुत्तियात फाड़ दी जाती भी इसके जरिए अलअर्दु जमीन आउ या कुल्लिमा कलाम किया जाता भी ही इसके जरिए अलमौता मुर्दों से बल्कि लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है अल अमरु मामला जमीअन सारे का सारा मामला अल्लाह ही के लिए है। अब यहाँ बिना इस आयत के अंदर एक तो कुरान यानी पढ़ी जाने वाली किताब मुराद है। कुरान से मुराद यहाँ पे पढ़े जाने वाली किताब है। तफसीर में इसके दो तरह से जवाब जो मिलते हैं, दो तरह की तफसीर हैं और दोनों दुरुस्त हैं। पहली ये है कि अगर वाकई कोई ऐसा कुरान होता जिसके जरिए से पहाड़ चलाए जाते या उसके जरिए से जमीन कता की जाती या उसके जरिए से मुर्दों को जिंदा किया जाता, फिर भी ये लोग ईमान ना लाते। क्यों? क्योंकि ये जिद और अनाद की वजह से इनकार कर रहे थे। पिछली आयात के अंदर हमने पढ़ा ना कि उन्होंने अल्लाह से निशानियां तलब की थी, निशानियों का मुतालबा किया था। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि अगर ये लोग यानी कुरान जैसी किताब के बावजूद कोई ऐसी किताब आती जो इनके जिसे पहाड़ चलाए जाते, जिससे जमीन फाड़ दी जाती, मुर्दे जिंदा हो जाते, तो भी ये लोग ईमान कभी भी ना लाते। अब इन तीनों चीजों का खसूसन जिक्र क्यों किया गया है? कुरान के मौजजे के बाद कुरान का चैलेंज किया ना अल्लाह ने, 10 आयतें ले आओ, 1 आयत ले आओ, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लाजवाब हो चुके थे। अब वो लोग जो थे ना, स्पेशली इन तीनों चीजों के दिखाने का मुतालबा कर रहे थे। अगर तुम सच्चे हो ना, तो फिर ऐसा करो, पहाड़ को फाड़ के दिखाओ, पहाड़ चला के दिखाओ, जमीन फाड़ के दिखाओ, और फिर इसी तरह जो मुर्दे हैं उनको जिंदा करके दिखाओ। इन तीनों चीजों का मुतालबा कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब लाजवाब होने के बावजूद ये लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाए, तो अगर कोई इसके अलावा किताब आ जाती है जिससे इनके मुतालबे पूरे हों, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। बड़े से बड़ा मोजज़ा देकर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। इन्होंने अपनी बेरुखी की वजह से अल्लाह को नाराज कर दिया और अल्लाह ताला की नाराजगी का निशाना बन गए। ईमान की तौफीक इनके हिस्से में नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बंदा हक को जानकर जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है, तो फिर खुद सोचिए वो कैसे हक देख सकता है या उसे कोई भी हक कैसे दिखाया जा सकता है। सूरत अनाम के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वलो अन्नना नज़लना इलैहिमुल मलाइकता, अगर हम वाकई इनकी तरफ फरिश्ते उतार देते और वो फरिश्ते वकल्लमहुमुल मौता, फरिश्ते उनसे बातें भी करते, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला, हम हर चीज इनके पास इनके सामने लाकर जमा कर देते, मा कानू लियुमिनू इल्ला अय्यशा अल्लाह, तो भी वो ऐसे ना थे कि ईमान ले आते लेकिन मगर अल्लाह जिसके लिए चाहे, वलाकिन अक्सरहुम यजहलून,
लेकिन अक्सर लोग जहालत बरतते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ख्वाहिशात पूरी हो भी जाए, अल्लाह को तो पता था ना पहले, फिर भी ये लोग ईमान नहीं ला सकते। समझ रही बात की? तो जो इंसान कुरान से इम्प्रेस नहीं ना होता, वो मोजज़ात मांगता जाए वो तभी इम्प्रेस नहीं हो सकता। क्यों? हदायत उसके मुकद्दर में नहीं लिखी, वो जिद की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से एक्सक्यूजेस पेश कर रहा होता है, हालांकि हक वो पहचान लेता है। इसकी इसी बात की दूसरी तफसीर ये की कि अगर इन तीनों सिफात का हामिल कोई है तो वो सिर्फ कुरान है। जैसा कि कुरान के बारे में आप सूरह हशर के अंदर पढ़ते हैं ना कि किस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को जो है ना इम्पोर्टेंस दी, और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो यकीनन इसे अल्लाह के डर से पस्त होने वाला, टुकड़े टुकड़े होने वाला देखता। कि अल्लाह ने इस कुरान के अल्फाज के अंदर इतनी पावर्स रखी है। तो बात समझ में क्या आई कि कुरान की अजमत इसमें बयान की गई है कि तुम मुतालबे कर रहे हो कुरान के लिए, इन सब को पूरा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सारे का सारा मामला किसके पास है? अल्लाह के पास है। उसकी कोई ना कोई हिकमत है जिसकी वजह से तुम्हारे इस मुतालबे को पूरा नहीं किया जा रहा। अदरवाइज कुरान अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की किताब की अजमत यह है कि अगर ये पहाड़ों पर उतारी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, तुम्हारे बाकी मोजज़ात भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन फिर ये है ना कि अगर तुम मोजज़े देकर भी ईमान ना लाए तो तुम पर अजाब आ जाना है पहली उम्मतों की तरह। तो इसलिए अल्लाह ने किसी हिकमत के तख्त तुम्हें अजाब में मुबतला नहीं किया। ठीक है, अफलम यही असलदीन आमनु अल्लाहु यशाउल्लाहु लहदन्नास जमीआ, क्या भला नहीं मायूस हो गए वो लोग जो ईमान लाए कि अगर चाहता अल्लाह तो वो हदायत देता सब के सब लोगों को। अब यहाँ पे भी मुराद दो तफसीर हैं, अफलम ये आसी के, पहली तो ये है कि बमाना अफलम या अलम, क्या वो लोग जो ईमान लाए इनको पता नहीं चला कि ये जो काफिर हैं इनको जितने मर्जी इनाम दिखाए जाए, इनके बारे में जितना मर्जी आप टेंशन में रहें, इनके लिए कोशिशें करें, मोटिवेट करें, ये नहीं मान लाएंगे। जिन निशानियों का ये मुतालबा कर रहे हैं, अगर हम इनको पूरा कर भी देंगे ना, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। और दूसरा मतलब ये है कि क्या अभी मुसलमान ईमान लाने वाले मायूस नहीं हुए, हालांकि वो जानते हैं कि ये बंदे जो है ना ऐसे ही हैं, क्योंकि अल्लाह यशाउल्लाहु लहदन्नास जमीअ, हिदायत अल्लाह की मशीयत पर मकूफ है, जो इन निशानात के दिखाए बगैर, मोजज़ात के बगैर भी इंसान को मुयस्सर आ जाती है, इंसान को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि मोजज़े के हिदायत जो है उसके लिए आप प्रॉपर खुद ही एफर्ट करेंगे तो आपको हिदायत हासिल हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से, और फिर उसके साथ साथ अपने दिल से देखें कि क्या सही है क्या गलत है। وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ وَلَا يَزَالُ هَمَيشَ رَهَنْگِ, وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تب تک اپنے کفر پہ قائم رہیں گے, کب تک؟ निशाने भी बता दी। आपको पता है कि हिदायत सिर्फ इंसान कोशिश से नहीं हासिल करता, आप अल्लाह पर जितने भी एक्सक्यूजेस पेश करते जाएंगे या अल्लाह से हुजते मांगेंगे, दलील मांगेंगे, निशानियां मांगेंगे, अल्लाह फला हो तो मैं फिर ये करूँगा, फला हो तो फिर ऐसे हो जाऊंगा, तो वो काम हो भी जाता है, लेकिन हम
वो काम जो अल्लाह के साथ वादा किया होता है ना, वो नहीं पूरा करते। इसलिए अगर नेकी करने का दिल कर रहा है ना, तो फौरन करें। ये मत कहें कि अल्लाह मुझे, मैं अगर अगली क्लास में जाऊंगी तो ही मैंने कुरान पढ़ना शुरू करना है, या अल्लाह मैंने मंडे से जो है ना क्लासेस अटेंड करना शुरू करनी है, या मैंने एक वीक के बाद एक्टिव हो जाना है, ये मेरा ये मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैंने ना रूटीन ठीक करनी है। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जो मुंसलिक कर लेते हैं नेकी को, मुंसलिक कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को अल्लाह के साथ, मोहब्बत को शरायत बांध देते हैं, चीजों के साथ, किस्सों के साथ, वाकियात के साथ, निशानियों के साथ, तो ऐसे बंदे हदायत फिर हासिल ही नहीं कर पाते। अगर मिले तो वो अल्लाह की मशीयत है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि वो दिन आ जाता है, क्लास भी शुरू हो जाती है, शादी भी हो जाती है, या फिर वो वीक भी गुजर जाता है, लेकिन हमारी नेकियों में इजाफा नहीं होता। नेकियों में इजाफा करें तो एट द मोमेंट, जिस मोमेंट में सोच आई, जिस मोमेंट के अंदर जज्बात आए, उसी वक्त इनरोल करें उस काम के अंदर, खुद को उसी वक्त रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग्स जो है ना बदलती रहती है। तो इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि ये जो काफिर है ना, ये कभी भी नहीं आएंगे इस चीज पर, इनको इनका कुफर बताएगा क्या होगा। तुसीबुहुम बिमा सनाउ कारिअतन औ तहुल्लु करीबम मियादारिहिम, कि इनके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आएगी, इनके करतूतों की सजा आयन आए दिन इनको दी जाएगी, जैसे कत्ल, कैद, कहत, बीमारी वगैरह। और फिर अगर ये नहीं ना होगा तो उनके करीब आसपास वालों पर अल्लाह की तरफ से आफत उतरेगी। अब वो उस उनका हाल देखकर इबरत हासिल करेंगे। इन अल्लाह ला युखलिफुल मीआद, बेशक अल्लाह नहीं वो खिलाफ करता वादे के। तो हम देख सकते हैं कि अल्लाह का ये वादा पूरा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरैश के हवाले से। वादा क्या था कि ये लोग खुद इबरत हासिल करेंगे, कैसे, इम्प्रेस होकर। अभी नहीं ना इम्प्रेस हो रहे, बाद में इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इनके पर तकलीफ भी आएगी, मुसीबत भी आएगी। जैसे देखिए, मुसलमानों ने जंगें की और सारा अरब को जो है ना फतह हासिल कर ली, तो फिर कैद बनाया लोगों को, फतह हासिल की, पूरे का पूरा मक्का मुसलमानों का हो गया, वही मक्का जो कुरैशी मक्का के कंट्रोल में था। ठीक है, तो क्या चीजें हमें समझ में आ रही हैं यहाँ से, कि अल्लाह ताला वादे खिलाफी इंसान के साथ नहीं करते। बस ये है कि हमें अपनी रवश ठीक रखनी चाहिए इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए। क्योंकि देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद कुरान में कह दिया कि जो लोग कुफर पे कायम रहते हैं ना, वो तब तक कायम रहेंगे जब तक उन पर कोई आफत मुसीबत ना आ जाए। फिर क्या होगा, अल्लाह ताला बाज़ औक़ात फिर उनके इर्द गिर्द के लोगों को मुसीबत में मुबतला करेंगे। तो जो कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो देखेंगे कि अब तो मेरा कोई कहीं पे भी चारा नहीं है, तो फिर फौरन ईमान ले आएंगे उनकी तरफ देखकर। ऐसे होता है ना, कि हमें खुद है खुद नहीं कदर होती किसी चीज की, तो कोई एक्सीडेंट देखते हैं या फिर कोई ऐसा मामला देखते हैं दूसरे को, जैसे तकलीफ पहुंच रही हो, तो फिर हमारे ईमान में भी इजाफा हो जाता है। इन अल्लाह ला युखलिफुल मीआद, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करते। और अल्लाह ताला ने ये वादा पूरा किया था मुसलमानों के साथ भी तब, और अब भी अगर हम अल्लाह के साथ वादा करते हैं, या फिर अल्लाह हमारे साथ किसी चीज का वादा करते हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, तो यकीन रखना चाहिए अल्लाह हमारे वादों को जरूर पूरा करते हैं। वला कादिस तुहजिया,
बिरुसुल में कबली का तहकीक मजाक उड़ाया गया कई रसूलों का, मैंने कबली का आपसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली दी जा रही है कि परेशान ना हो इनकी बातों से, ये तो आपको आपका मजाक उड़ाते हैं ना। लईतु लिल्लदीन कफरू, तो डील दी मैंने उनको जिन्होंने कुफर किया। सुम्मा अखस्तुहुम फकैफ काना इकाब, फिर अल्लाह ने इनको पकड़ा और अल्लाह की पकड़ भी बड़ी फिर शदीद है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं और अंबिया आगे से उनको कुछ नहीं कहते, फिर अल्लाह उनको खुद निमटा लेते हैं, खुद उनको उसकी सजा मिल जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना कि आप इन काफर के ठट्ठा मजाक करने और नाजायज और नामुमकिन मुतालबात करने से बददिल ना हो। पहले रसूलों के साथ भी ऐसा हुआ था, नूह अलैहि सलाम कश्ती बना रहे थे तो हर गुजरने वाला उनसे मजाक करता था। शुएब अलैहि सलाम से उनकी कौम ने कहा कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो, वहां मोश रहे। फिर हूद अलैहि सलाम की कौम ने कहा हम यकीनन तुझे बेवकूफी में मुबतला देख रहे हैं, वो भी खामोश रहे। फिरौन ने मूसा अलैहि सलाम को महीन हकीर और जुबान की लकुनत का ताना दिया। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते, इसके बावजूद मैंने फरिश्तों को क्या दी, मोहलत दी। यानी फरिश्ते जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने अजाब के लिए ना भेजे, और इंसान जो कुफार थे जो इनकार कर रहे थे अल्लाह के अंबिया का, उनको मोहलतें मिलती रहीं, तो इसलिए इनको भी मोहलत दी जा रही है ताकि इनका ये उजर खत्म हो जाए। ठीक है, अल्लाह सुब्हान तआला इंसान को रिलैक्स रखते हैं, इंसान को वो के वही मुद्दुहुम फी तुगयानहिम यामहून, कि अगर अल्लाह हमें पकड़ नहीं ना रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह हमसे बहुत राजी हैं। अल्लाह सुब्हान तआला इंसान को डील दे देते हैं, लंबी डील दे देते हैं, ये भी अल्लाह की एक अजाब की नौजत है। और वो लंबी डील जब खत्म होती है फिर ऐसी सजा आती है कि फिर इंसान सामना ही नहीं कर पाता उस सजा का। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया इस बारे में कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है यहाँ तक कि जब इसे पकड़ता है तो फिर अल्लाह इसको छोड़ता नहीं है। सूरत हुद आयत 102 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है कि जब वो बस्तियों को पकड़ता है इस हाल में कि वो जुल्म करने वाली होती हैं, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक है। इन्ना अखदहु अलीमु शदीद, बहुत दर्दनाक है अल्लाह की पकड़। तो इंतजार किस चीज का, कोई आफत आएगी, कोई मुसीबत आएगी, फिर आएंगे कुरान की तरफ, फिर आएंगे हक की तरफ। अगर अल्लाह ने आज मोहब्बत डाली है ना उसको लर्न करने की, सीखने की, उस पर तदब्बुर करने की, तो आज ही कदम बढ़ाना चाहिए, कल का इंतजार नहीं करें। कल पता नहीं ईमान ये बाकी रहे या ना रहे, अगर हो सकता है हमसे तौफीक ही छीन ली जाए, हमारा ईमान कम हो जाए, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाए लेकिन अंदर से जज्बा कम हो जाए, तो अपने जज्बों को जो अल्लाह की तरफ से हमें अता किए गए हैं कुरान सीखने, दीन सीखने, इस्लाम पर अमल करने पर, तो इंतजार ना करें फलां दिन का, अगले साल का इंतजार ना करें, अगले वीक का इंतजार ना करें, अगला सेमेस्टर शुरू होने का इंतजार ना करें, या फिर यूनिवर्सिटी से फारिग होने का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। बस फौरन से जिस दिन तौफीक आपको मिलती है, सोच मिलती है, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। यही है असल तरीका इंसान का अल्लाह से जुड़ने का।
और फिर अल्लाह सुब्हान ताला, जब भी आपने देखा होगा कि जो हम सूरते पढ़े हैं ना, सूरत हूद और सूर यूसुफ, यहाँ से जो सूरतें शुरू हुई हैं उनमें ज्यादातर शिर्क और तौहीद के बारे में। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी लास्ट होता है ना सूरत का, तो फिर एक दफा से जो पूरी सूरत में बातें होती हैं उनको कंक्लूजन बता दिया जाता है। अब चूंकि इस सूरत का भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम हो रहा है, तो फिर तौहीद और शिर्क की बात शुरू हो गई है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाते, अफमन हुआ कौइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत, क्या भला वो जो कायम है, निगरान है हर नफ्स के ऊपर उस चीज के साथ जिसने कमाया। तो क्या इसके अंदर पोशीदा बात यह है कि कोई दूसरा इसके बराबर हो सकता है? अल्लाह के कायमुन, अल्लाह ही निगरान है ना। तो यहाँ कायमुन से मुराद निगरान मुहाफिज, यानी वो मबूदे बरहक जो हर जान का, हर लम्हा, हर हालत का निगरान मुहाफिज है, उसके हर अमल से नेक हो या बद हो पूरी तरह वाकिफ है। तो क्या वो तुम्हारे इन झूठे मबूदों की तरह है जो सिरे से इस वस्फ से महरूम है? उनके पास क्या ये वस्फ है? क्या वो हर चीज को देख रही है? क्या इंसानों की जाने उनके पास है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजालू लिल्लाही शुरका, इन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बना लिए, जानते बूझते कि ये सब चीजें किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं है। कुल कह दीजिए, सम्मोहो, नाम लो इनके। क्या किया इन्होंने कि इतने जालिम हैं कि अल्लाह के साथ शरीक बना लिए। अल्लाह कहते हैं चलो बताओ जरा इन शरीकों के नाम, कौन कौन से शरीक बनाए, इन्हें सामने तो लाओ। अगर तुम बिलफर्ज इनका नाम ले भी लेते हो जो ख्याली है, हकीकत में तो इनका वजूद नहीं है, तो वो खुद अपने वजूद और बका में दूसरों के मोहताज हैं। न अपने नफा नुकसान का इख्तियार रखते हैं, न किसी दूसरे का, एक मक्खी भी नहीं बना सकती। तो इनका नाम अल्लाह के शरीक के तौर पर लेना किस कदर जहालत और नादानी की बात है। अभी भी, आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे लोग रहते हैं ना, आपके इर्द गिर्द सोचिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें सबसे पहले कि अल्लाह ने हमें शिर्क से बचाया है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। कहते हैं कि अल्लाह तो बड़ा अल्लाह है ना, तो अल्लाह ही सिफारशी हैं हमारे पीर, हमारे अवलिया, ये अल्लाह के आगे सिफारिश करेंगे, ये हमें कियामत के दिन बचा लेंगे। अल्लाह कहते हैं, अम तुनब्बिउनहु बिमा ला यालमु फिल अर्ज़ अम बिज़ाहिरिन मिन अल क़ौल, क्या तुम खबर दे रहे हो उसे, किसी अल्लाह को, कि जो उस चीज की कि नहीं वो जानता जमीन में या बज़ाहर बात में से, यानी तुम उसे उस चीज की खबर देते हो जिसे वो जमीन में नहीं जानता, हालांकि उसे तो जमीन के चप्पे चप्पे की खबर है। तो अगर इन शुरका का कहीं वजूद होता तो अल्लाह को जरूर इल्म होता ये वाकई सच्ची और पाक और साफ अल्लाह के शरीक है। जब अल्लाह जो रब है जिसके साथ तुम शरीक बना रहे हो, क्योंकि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, तो कहा जा रहा है कि ऐसी बात है ना कि तुम पता नहीं कभी किसी का, कभी किसी का नाम लेते हो, तो अगर ऐसी बात सच्ची होती ना तो अल्लाह को उसका जरूर पता होता। अल्लाह को सारी इंफॉर्मेशन होनी थी। बल जुज़िना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम, लेकिन हकीकत यह है कि मुज़य्यन कर दी गई उनके लिए जिन्होंने कुफर किया, चाल उनकी, उनका मकर उनके लिए खूबसूरत बना दिया गया। और यहाँ पे मकर से मुराद कुफर और उसके लिए बातिल दलीलें गढ़ना, लोगों को धोखा देकर मुशरिक बनाना है, ये है मकर। यानी खुशनुमा बना दिया गया, खुशनुमा बनाने वाली कई चीजें हैं, इसलिए फिर मजहूल इस्तेमाल किया गया। मसलन उनके आमाले बद की नहुसत उनके लिए खुशनुमा बना दी गई, नफसानी ख्वाहिशात उनके लिए खुशनुमा बना दी गई, शैतान और उसके बाद
शैतान ने उनके लिए उनका ये रास्ता खुशनुमा बना दिया। इसके अलावा उनके फिस्क की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिलों पर लगने वाली मोहर, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुफर को खुशनुमा बनाने की वजह बनती है। कि गलत काम है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, गलती महसूस हो ही नहीं रही, ऐसे लग रहा है जैसे हम ठीक कर रहे हैं, दिल से डर खत्म हो जाता है। ऐसे बाज़ुकात होते हैं ना, हमें अपने गुनाहों पर गुनाह कर रहे हैं मगर गुनाह हमारे लिए बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें गुनाह का काम छोड़ना ऐसे लगता है जैसे हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट लगती है। यही बात है, खुद भी रुकते हैं वसद्दू आस अनि सबील, और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, यानी अल्लाह ने इनकी किस्मत में हदायत ही नहीं लिखी। ऐसे लोग सीधी राह पे नहीं आ सकते, रोक दिए जाते हैं अल्लाह के रास्ते से। आने की कोशिश भी करेंगे लेकिन शैतान इनके बुरे अमाल को इनके लिए इतना अट्रैक्टिव बनाकर और लजीज बनाकर पेश करेगा कि इनके लिए उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये जो शैतान चीजों को खुशनुमा बना देता है ना, ये जो कुछ चीजें हमारे रास्ते को और अट्रैक्टिव बना देती है, ये बहुत काम खराब हो जाता है। इससे अपने लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह नेकी को मेरे लिए खुशनुमा बना दे और बुराई को मेरे लिए अजियत बना दे। बुराई करके मैं मुझे तकलीफ हो, मुझे दर्द हो, मुझे बेसकूनी हो, ताकि उस सुकून हासिल करने के लिए मैं अपनी हकीकी रास्ते की तरफ पलटूं, हकीकत की तरफ तवज्जो करूं। लेकिन जब भी हम दुआ करते हैं, ये ख्वाहिश हमारी होती ही है कि हमारे बुरे अमल ही हमारे लिए अट्रैक्ट हों, अट्रैक्टिव हों, लज्जत की वजह बने। वो होते ही लजीज है, लेकिन हमने उनकी लज्जत को पसे पुश्त डालना है। वमयुज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, तो जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह किसको गुमराह करते हैं? उन बंदों को जो दिल से अल्लाह की तरफ आने नहीं चाहते, जिनको ज़ाहरी चीज़ें, प्रोटोकॉल और ज़ाहर पसंद है, जो हदायत हासिल करना ही नहीं चाहते, तो फिर अल्लाह उनको हदायत कैसे देंगी? लहुम अज़ाब हुआ फिल हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में ही अजाब है। दुनिया की ज़िंदगी में कैसे कैसा अजाब? आसमानी आफतें आती हैं, जैसे पिछली आयत के अंदर भी पढ़ा ना, इनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, बीमारियाँ, फाके, मुख्तलिफ मुसीबतों के ज़रिए इन पर अजाब आते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि इनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात अल्लाह की जानिब से हैं इनके बुरे अमाल की वजह से। फिर इसी तरह मुसलमानों के हाथ ये जब कैद हो गए तो ये भी अजाब है। वाला अजाबुल आखिरत ही अशक, आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त है, इससे भी ज्यादा हिला देने वाला। अमालहुम मिन अल्लाह मिन वाक, और अल्लाह से तो कोई बचाने वाला होगा ही नहीं। इन बदश रब्बी कला शदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है, कोई भी इंसान अल्लाह से बच नहीं पाएगा। और जहन्नम की आग की एक झलक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कि तुम्हारी आग जो इब्ने आदम जलाता है ना, जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और सब गर्मी, जहन्नम की गर्मी इसकी मिसल है। तो आहरत के अजाब के बहुत ज्यादा सख्त होने का सबसे बड़ा सबब पता क्या है? हमेशा का अजाब, हमेशा रहेंगे उसमें, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई निकाल नहीं सकेगा, और इंसान भी बस हो जाएगा। इसलिए आज अल्लाह ने वक्त दिया है, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह को पहचानने की कोशिश करें अल्लाह के रास्ते को, और अगर चलना मुश्किल हो तो नफ्स को कंट्रोल करें, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेप्स पे होते हैं। बड़ी देर से इस्लाम के साथ जुड़े हैं, बचपन से इस्लाम के नाम से कलमा पढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ नहीं पा रहे,
वादा करें ना अल्लाह से कोशिश का, अल्लाह हमें ऐसा हमें एहसास हो और हमें उस एहसास के बाद हम उन रस्तों को छोड़ सके, यही है सबसे बड़ी कुर्बानी। आखिरत के अजाब से बचने, आखिरत की रुसवाई से बचने के लिए दुनिया में हमें एफर्ट्स करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर ही हम अल्लाह के भी करीबी हो सकते हैं और अपनी बेहतरी भी चाह सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचाए, दुनिया की रुसवाई से भी बचाए। इसीलिए तो दुआ करनी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमें दुनिया की भलाई भी अता करना, आखिरत की भलाई भी अता करना और जहन्नम के अजाब से बचा लेना, यही है सबसे बड़ी कामयाबी। कामयाबी यही है सबसे बड़ा प्रोटोकॉल और यही है सबसे बड़ा सुकून। दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह भलाइयाँ अदा कर दे। हम दुनिया में भी रुसवा नहीं होना चाहते, दुनिया के अंदर भी सुकून हासिल करना चाहते, ताकि खुशनुमा अंदाज में तेरी इबादत कर सकें और तेरे बंदों को दीन की तरफ बुला सकें। जब अंदर खुद ही सुकून और खुद गुमराही होगी तो इंसान दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता। तो अल्लाह से दुआ है, बाकी अल्लाह हमारा हामी नासिर, अल्लाह हमें तौफीक अता करें। اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.